व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक वंस अगेन। सो दोस्तों, आज की मूवी जो एक्सप्लेन करने वाले हैं उसका नाम है कैबिन इन द वुड। सो गाइज, चलिए मूवी शुरू होती है और हम एक बेसमेंट ऑफिस में दो साइंटिस्ट को देखते हैं और यहाँ पर किसी तरह का एक्सपेरिमेंट या फिर सीक्रेट एक्सपेरिमेंट चल रहा होता है और ये एक्सपेरिमेंट बाकी देशों ने भी करा है लेकिन वो सभी इसमें फेल हो चुके हैं। अब बस जापान और अमेरिका ही ऐसा देश बचा है जो कि एक्सपेरिमेंट को कर रहा है। अब ये कौन सा मिशन है दोस्तों, कौन सा एक्सपेरिमेंट है, ये आपको आगे पता चलेगा। वेल, ये सीन यहीं पर कट हो जाता है और अगले सीन में हम पांच दोस्तों को देखते हैं। वेल गाइज, इस मूवी में हम थॉर भाई साहब को भी देखते हैं। लगता है उन्हें कोई काम नहीं मिला था इसलिए उन्होंने इस मूवी में भी काम कर लिया है। वेल गाइज, चलिए मैं आपको नाम बता देता हूँ इन सभी दोस्तों को ताकि आपको समझने में आसानी हो। इनके नाम होते हैं डैना, कल्ट और जूली, होल्डन और मार्टी। ये सभी प्लान बनाते हैं जंगल में जाके ट्रैकिंग करने का और नई जगह को एक्सप्लोर करने का। सो ये सभी वैन से निकल जाते हैं और इनके निकलते ही दोस्तों एक आदमी जो कि इनकी छत पर इनसे नज़र रखा हुआ था वो किसी को कॉल करके बताता है कि वो यहाँ से निकल चुके हैं। अब रास्ते में इनको एक गैस स्टेशन दिखता है और ये डिसाइड करते हैं कि ये लोग थोड़ी गैस भरवा लेंगे, लेकिन ये गैस स्टेशन बहुत ही ज़्यादा पुराना होता है और जो इस गैस स्टेशन का मालिक होता है वो इनसे बहुत ही बदतमीज़ी से बात करता है और ये सभी लोग उससे वुड हाउस का एड्रेस पूछते हैं जहाँ पर इन्हें जाना है, तो इन्हें टनल के ज़रिए जाने के लिए कहता है और इनको गैस देने से भी मना कर देता है। इसके बाद ये सभी उसी टनल से वुड हाउस की तरफ निकल जाते हैं और हम यहाँ पर एक चील को उड़ते हुए देखते हैं जो कि एक इनविजिबल वॉल से टकरा जाती है और उसकी मौत हो जाती है। सो दोस्तों, इस वुड हाउस तक जाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, वो है ये टनल। और इन लोगों को ये बात पता नहीं होती है कि यहाँ पर एक इनविजिबल वॉल बनी हुई है जो कि काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक है। सो गाइस, ये लोग फाइनली वुड हाउस तक पहुँच जाते हैं और ये जगह बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होती है, लेकिन हर खूबसूरत चीज़ के पीछे ख़तरा ज़रूर होता है। और मॉल्डन जो कि इनका दोस्त होता है उसको यहाँ पर एक अजीब पेंटिंग दिखती है। ये बहुत ही ज़्यादा भयानक पेंटिंग होती है जिसमें बहुत ही ज़्यादा खून खराबा हो रहा है और जब वो उस पेंटिंग को हटाता है तो उसके दूसरे साइड शीशा लगा होता है और दूसरे साइड डैना उसे दिखती है जो कि दूसरे रूम में होती है। मतलब इस रूम को ऐसे बनाया गया है कि किसी सामने वाले रूम को देखा जा सके, लेकिन सामने वाला जो बंदा होता है वो इस रूम को, इसके बारे में उसे पता नहीं होता है। और यहाँ पर दोस्तों मॉल्डन ये बात डैना को बताता है जिससे कि ये लोग रूम को एक्सचेंज कर लेते हैं और डैना उस शीशे पर वही पेंटिंग दोबारा लगा देती है और वो पेंटिंग जो कि काफ़ी ज़्यादा भयानक होती है इस वजह से वो उस पर कपड़ा डालकर उसे ढक देती है। अब गाइज, हम यहाँ पर देखते हैं कि वही साइंटिस्ट की टीम इन सभी पर नज़र रखे हुए है कैमराज के ज़रिए और ऐसा लग रहा था कि एक्सपेरिमेंट इन पर ही किया जा रहा है। यहाँ तक कि दोस्तों इन लोगों ने जंगल में भी कैमराज लगा रखे थे और ये सभी चीज़ों को कंट्रोल कर रहे थे। मतलब इस जंगल का, इसके आसपास के माहौल का, टेम्परेचर, हवा, बारिश, सारी चीज़ों को ये साइंटिस्ट लोग कंट्रोल कर सकते थे। अब दूसरी साइड गैस स्टेशन का जो मालिक होता है जिसे हमने थोड़ी देर पहले देखा था, वो साइंटिस्ट को कॉल करके बताता है कि वो लोग यहाँ से निकल चुके हैं। वो बोलता है कि उन लोगों को कम मत समझना, वो बहुत ही ज़्यादा चालाक हैं। तो साइंटिस्ट उसे बोलता है कि तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, हम आगे का संभाल लेंगे। सो गाइस, अब इस ऑफिस के सभी साइंटिस्ट वो शर्त लगाना चालू कर देते हैं कि उन पांचों को पहले कौन सा जानवर मारेगा या फिर इनमें सबसे पहले कौन मरेगा। और इधर इस बात से अनजान कि उनकी जान खतरे में है, ये पांचों फ्रेंड आपस में बात करते हैं और मस्ती करना चालू कर देते हैं। लेकिन अचानक से तभी इनके बेसमेंट का डोर ओपन होता है और अचानक से सभी लोग डर जाते हैं। वो लोग उस बेसमेंट में चेक करने जाते हैं कि एक्चुअल में उसमें है क्या, और वहाँ पर इन्हें लोगों के कपड़े मिलते हैं और बहुत सारी अट्रैक्टिव चीज़ें मिलती हैं। अब डैना को यहीं पर एक डायरी भी मिलती है जो कि एक बच्ची की होती है। उसमें लिखा था कि उसके फादर ने उसकी मॉम पर बहुत ही ज़्यादा अत्याचार किया था और उसे बहुत ही बेरहमी से लास्ट में मार दिया था। उस डायरी में लैटिन में एक लाइन लिखी होती है और डैना जैसे ही उस लाइन को पढ़ती है कुछ ज़ॉम्बी ज़मीन से बाहर निकलना चालू हो जाते हैं। मतलब अब पार्टी होने वाली है। अब कल्ट और उसकी गर्लफ्रेंड जूली के अंदर चुल मचती है और वो जंगल में मंगल करने पहुंच जाते हैं। तभी दोस्तों ज़ॉम्बीज़ उन पर हमला कर देते हैं और इसमें वो जूली को बड़ी बेरहमी से उसकी गर्दन काट कर उसे मार देते हैं। उसके मारते ही हमें एक स्टैचू दिखाया जाता है जिसमें कि उसका खून चला जाता है। अब ऐसा क्यों हो रहा है ये हमें मूवी के लास्ट में पता चलेगा। अब कल्ट ये जब देख कर बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है और वो सीधा भाग कर कॉटेज में आता है और अपने सभी दोस्तों को बताता है कि जूली मर चुकी है। लेकिन ज़ॉम्बीज़ यहाँ भी पहुँच जाते हैं और वो जूली की गर्दन उठा कर डैना के हाथ में फेंकते हैं, जिसे देख कर डैना भी बहुत डर जाती है। और अब यहां पर दोस्तों इन्हें समझ आ जाता है कि ये एक तरह की चाल है, एक तरह का ट्रैप है।
ये कॉटेज, ये वुड हाउस में जो लोगों के सामान है उनको भी यहाँ पर ज़रूर फंसाया गया होगा और सभी को जान से मार दिया गया होगा। सब ये लोग अपनी जान बचाने की कोशिश करते हैं और साइंटिस्ट दोस्तों जो कि सभी चीज़ों को कंट्रोल कर सकते थे वो इनके घर में इनको लॉक कर देते हैं ताकि ये लोग बाहर ना जा सकें। और इसी पल घर में मार्टी को कैमरा दिख जाता है जिससे कि ये लोग उस पर नज़र रख रहे थे। अब उसे भी समझ आ जाता है कि कोई उस पर नज़र रख रहा है, लेकिन इससे पहले कि वो किसी को इसके बारे में बता पाता ज़ॉम्बीज़ उसे भी मार देते हैं और अब उसका भी खून उसी स्टैचू में चला जाता है। और ऐसा क्यों हो रहा है ये आपको लास्ट में पता चलने वाला है। अब डायना और होल्डन छुपने के लिए एक दूसरे बेसमेंट में घुस जाते हैं जहाँ इन्हें पता चलता है कि पहले के लोगों को यहीं लटका कर मारा गया था और डायना बोलती है कि वो हमें भी यहीं मार देंगे और हम यहीं मारे जाएंगे। लेकिन होल्डन उसे समझाता है कि हमें कुछ नहीं होगा, हम सभी यहाँ से ज़िंदा वापस जाएंगे। लेकिन तभी दोस्तों उसे भी ज़ॉम्बी पकड़ लेता है और लटका देता है। यहाँ पर डायना बहुत ही बहादुरी दिखाती है, वो ज़ॉम्बीज़ को चाकू से बुरी तरह से मार कर उन्हें वहीं मार देती है जिससे कि होल्डन की जान बच जाती है। अब ये तीनों लोग वैन के ज़रिए यहाँ से भागना चालू कर देते हैं। और इधर हम दूसरे सीन में जापान के एक्सपेरिमेंट को दिखाया जाता है जहाँ पर एक शैतानी लड़की मेढक में बदल जाती है और ये एक्सपेरिमेंट भी फेल हो जाता है। मतलब कि इसी तरह से दुनिया में कई हिस्सों में एक्सपेरिमेंट चल रहे थे लेकिन सारे फेल हो चुके हैं, इसलिए अब सारी उम्मीद बस अमेरिका पे टिकी हुई है। और इसी पर साइंटिस्ट को याद आता है कि उन्होंने टनल को धमाके से नहीं उड़ाया। अब ये तीनों लोग वहाँ से निकल सकते थे इसलिए तुरंत ही वो उस टनल को उड़ा देते हैं, जो कि टनल ही सिर्फ एक रास्ता था यहाँ से निकलने था। अब ये लोग वहाँ पर फंस जाते हैं। अब कल्ट बोलता है कि वो बाइक से छलांग लगाकर दूसरी साइड पहुंच जाएगा और मदद लेकर वापस आएगा, लेकिन जैसे ही वो वहाँ से छलांग लगाता है उसकी बाइक वही इनविजिबल वॉल से लड़कर क्रैश हो जाती है और वो भी नीचे खाई में गिरकर मारा जाता है। ये देखकर डायना को भी समझ आ जाता है कि हमें यहाँ पर कैद करके रखा गया है और ये किसी तरह का ट्रैप है। और इसके बाद डायना और होल्डन वापस कॉटेज में जाने लगते हैं, लेकिन तभी दोस्तों उस वैन में बैठा ज़ॉम्बी होल्डन के गले में सरिया घुसा देता है और पूरी वैन पानी में पलट जाती है। अब सिर्फ डायना जिंदा बची हुई, इसलिए ये लोग सेलिब्रेट करते हैं कि वो भी मारी जाएगी और इससे इनका रिचुअल कंप्लीट हो जाएगा और इन जो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे वो पूरी तरह से सक्सेसफुल हो जाएगा। और तभी वो ज़ॉम्बीज़ जैसे जैसे डायना को मार रहा था ये लोग और ज़्यादा सेलिब्रेट करना चालू कर देते हैं, लेकिन तभी दोस्तों इनकी किस्मत ख़राब होती है, यहाँ पर मार्टी आ जाता है। जी हाँ दोस्तों, अभी मार्टी ज़िंदा होता है और वो ज़ॉम्बी को मार कर डायना को बचा लेता है। जब ये चीज़ साइंटिस्ट देखते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं क्योंकि उन्हें लग रहा था कि मार्टी मारा जा चुका है। अब मार्टी डायना को लेकर उसी बेसमेंट में जाता है जहाँ से वो ज़ॉम्बीज़ बाहर निकल कर आ रहे थे। ये लोग उसी बेसमेंट में घुस जाते हैं और जो ज़ॉम्बी मार्टी को खींच कर यहाँ पर लाया था उसने यहीं उसे मार दिया, जिसकी वजह से वो अभी भी ज़िंदा है। और जिसके बाद हम देखते हैं कि इनके नीचे एक डोर खुल जाता है और ये लोग वहाँ पर चले जाते हैं। वहाँ जाने पर इन्हें बहुत सारे क्रिएचर दिखते हैं, जैसे कि एक भेड़िया, एक शैतानी आत्मा, एक आदमी जिसके सर में लोहे का रॉड घुसा हुआ है। और ये देखकर डायना बोलती है कि उन्होंने हमें चुना है कि हमारी मौत कैसे होगी। तभी हमें कैमरा जूम आउट करके दिखाया जाता है और यहाँ पर हम सैकड़ों बॉक्स को देखते हैं जिसमें अलग अलग क्रिएचर को कैद करके रखा गया है। और अब डायना और मार्टी भी इसी बॉक्स में कैद हो चुके हैं। और इधर हम देखते हैं कि सभी लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान होते हैं कि मार्टी ज़िंदा कैसे बच गया, लेकिन इन लोगों को फिर मार्टी और डायना दिख जाते हैं और उसे मारने के लिए ये अपने एक आदमी को भेजते हैं। लेकिन तभी ये दोनों मौके का फ़ायदा उठाकर उस आदमी को मार देते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। अब ये लोग उस बिल्डिंग में आ चुके थे जहाँ पर वो साइंटिस्ट काम करते थे, लेकिन अभी इनकी मुश्किलें कम नहीं होती है। इसी पल दोस्तों यहाँ पर और ज़्यादा गार्ड आ जाते हैं इन्हें मारने के लिए, लेकिन तभी ये लोग एक कंट्रोल रूम में छुप जाते हैं और गार्ड इन पर गोलियों की बरसात करना चालू कर देते हैं। सो गाइस, ये एक कंट्रोल रूम होता है इसलिए डायना एक स्विच दबाकर सभी क्रिएचर का गेट खोल देती है। और फिर क्या था दोस्तों, यहाँ होती है असली पार्टी। उन बॉक्सेस से अलग अलग तरह के क्रिएचर बाहर निकलते हैं और सभी गार्ड्स को कुछ ही सेकंड में मारकर गिरा देते हैं। और अब एक एक करके सभी बॉक्सेस खुलना चालू हो जाते हैं और ये पूरी बिल्डिंग में क्रिएचर सभी को मारना चालू कर देते हैं। ये पूरा ऑफिस एक शमशान बन जाता है और अभी तक दोस्तों ये लोग मज़े ले रहे थे और अब इनके साथ मज़े होना चालू हो गए थे। अब एक ख़तरनाक बैट उड़कर कंट्रोल रूम में आ जाता है और ये दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। इधर हम दूसरी साइड हम कुछ क्रिएचर को साइंटिस्ट को मारते हुए देखते हैं और वो सभी को मार देते हैं, बस एक साइंटिस्ट जो कि एक मेन साइंटिस्ट होता है वो बचता है और वो भाग कर बेसमेंट में भाग जाता है। लेकिन यहाँ पर डायना तभी उसके पेट में चाकू घुसा देती है और अपने दोस्तों का बदला लेती है। वो साइंटिस्ट मरते हुए बोलता है कि उसे मार दो, और यहाँ पर गाइज वो ये नहीं बताता कि किसे मारना है। इसके बाद ये दोनों उसी जगह पर, ये पांच मूर्ति हमारा ही रूप हैं, ये किसी तरह का रिचुअल किया जा रहा है यहाँ पर, वो हमें मारना नहीं तड़पा कर मारना चाहते हैं ताकि वो हमेशा यंग रह सके।
तभी यहाँ पर एंट्री होती है असली विलेन की, जो कि इस कंपनी की डायरेक्टर होती है, और वो इन्हें सारा सच बताती है कि ये एक रिचुअल है जो कि पूरी दुनिया में किया जा रहा है, बाकी सभी दुनिया वाले फेल हो चुके हैं, बस हमारा ही रिचुअल पूरा होने वाला है। वो बताती है कि इसे पूरा करने के लिए हमें 5 यंग लोगों की ज़रूरत होती है, ताकि हम 5 लोगों को शैतानी गॉड की बलि दे सकें और इससे पूरी दुनिया जिंदा रह सके। और वो डायरेक्टर बताती है कि ये 5 लोग कौन होना चाहिए। इसमें पहली लड़की होना चाहिए जो कि सबके साथ फिजिकल रिलेशन बनाने के लिए तैयार हो जाए, जो कि होती है जूली। दूसरा होना चाहिए एक एथलीट और जिसका नाम होता है कल्ट। तीसरा होना चाहिए एक स्कॉलर जो कि होता है होल्डन। और चौथा होना चाहिए एक बेवकूफ़ लड़का जो कि होता है मार्टी, और मार्टी ये देखकर हंसने लगता है। और दोस्तों पाँचवा होना चाहिए एक वर्जिन लड़की जो कि होती है डैना। अब डायरेक्टर बताती है कि अगर हमने 5 लोगों की बलि नहीं दी तो शैतानी गॉड नीचे से बाहर आ जाएगा और वो पूरी दुनिया को तबाह कर देगा, जिससे कि सारे लोग मारे जाएंगे और उन्हें बचाने का एक ही रास्ता है, तुम दोनों को अपनी जान देनी होगी। तुम्हें पूरी दुनिया को बचा सकते हो अगर तुम अपनी जान दे दो। ये सब सुनकर डैना कन्विंस हो जाती है और मार्टी के ऊपर बंदूक तान देती है, लेकिन तभी एक वुल्फ आ जाता है और उस पर हमला कर देता है और उसे ज़ख्मी कर देता है। इधर अब मार्टी और डायरेक्टर के बीच में लड़ाई होना चालू हो जाती है, और इसी बीच एक ज़ॉम्बी डायरेक्टर को भी लेके उसी खाई में गिर जाता है। अब ये पूरी जगह दोस्तों हिलने लगती है, इसका मतलब वो शैतानी जो गॉड है वो जाग रहा है। और मार्टी बोलता है कि हमारा वीकेंड काफ़ी अच्छा रहा, हमने काफ़ी एंजॉय किया। तभी दोस्तों एक बहुत ही बड़ा हाथ ज़मीन को फाड़ कर बाहर निकलता है और मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है, मतलब अब वो पूरी दुनिया को तबाह कर देगा। सो गाइज़, आपको मूवी कैसी लगी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और नेक्स्ट मूवी की कौन सी एक्सप्लेनेशन सुनना चाहते हैं वो मूवी का नाम ज़रूर बताएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग, पीस आउट।